अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, खासकर उनके लिए जो न्यू यूट्यूबर हैं, क्योंकि उनको काफ़ी मसाइल दरपेश होते हैं कि उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलें जी, हम टॉपिक पे आते हैं मेन, कि सब्सक्राइबर्स क्यों ड्रॉप होते हैं। नंबर एक, जब आप किसी को बोलते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो वो आपकी वीडियो अगर 2 सेकेंड या 3 सेकेंड या 5 सेकेंड आपकी वॉच करके बेल सब्सक्राइब से आपका चैनल या बेल आइकन प्रेस कर देता है, तो ये सब्सक्राइबर जो है स्पैम में चला जाता है। तो उसको काइंडली इन्फॉर्म कर दिया करें, कम से कम आपकी वीडियो 3 से 4 मिनट, अगर वो इतने नहीं वॉच करता तो कम से कम 2 मिनट लाजमी आपकी वीडियो वॉच करे, ताकि यूट्यूब को हो कि आपका ये जो सब्सक्राइबर है ये जेन्युइन है और ये स्पैम में ना जाए आप, तो ऐसा सब्सक्राइबर कभी ड्रॉप नहीं होगा। रीज़न नंबर 2, अगर कोई शख्स आपका चैनल सब्सक्राइब करता है और वो उसका अकाउंट अनवेरीफाइड होता है, यानी कि फ़ोन नंबर से वेरीफिकेशन उस अकाउंट की नहीं होती, तो वो सब्सक्राइबर भी स्पैम में शुमार होगा। रीज़न नंबर 3, अगर कोई बंदा आपका चैनल सब्सक्राइब करता है मुख्तलिफ आइडिया से 3, 4, 5 और एक ही आईपी एड्रेस से सेम वक्त में अगर आपका चैनल सब्सक्राइब करता है, तो एक उसका सब्सक्राइबर जेन्युइन शुमार होगा, बाकी सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। अगर आपने उसके सब्सक्राइबर लेने भी हैं 3 जितने भी उसकी आईडीज हैं, तो कम से कम उसमें 1 आवर गैप ज़रूर रखवाएँ, ये सब्सक्राइबर इंशाल्लाह आपके ड्रॉप नहीं होंगे। 4, अगर कोई बंदा आपका चैनल सब्सक्राइब कर देता है और वो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता या कुछ भी दिन अगर आपकी वीडियो वॉच नहीं करता, तो वो सब्सक्राइबर भी आपका डेड शुमार होगा। और अगर वो बंदा आपका चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देता है, तो कम से कम उससे इन्फॉर्म कर दें कि कम से कम आपकी एक वीडियो नोटिफिकेशन जो आती है न्यू वीडियो की, वो वॉच लाजमी करें। इससे यूट्यूब को इस तरह लगता है कि आपका जो सब्सक्राइबर है वो डेड नहीं है, आपकी न्यू आने वाली वीडियो वॉच कर रहा है और वो आपके चैनल में इंटरेस्ट रखता है। ऐसा सब्सक्राइबर फिर कभी इंशाल्लाह ड्रॉप नहीं होगा। आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे काफ़ी ये ट्रेंड चला हुआ है कि आप लोग हमारे आए सब टू सब सब्सक्राइबर लें, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो जो सब्सक्राइबर्स हैं वो डेड हो जाते हैं, आपकी वीडियो वॉच ही नहीं करते, वो एक टाइम आपकी सब्सक्राइब करके वो सब्सक्राइबर आपके डेड शुमार होते हैं। तो इससे आपके चैनल को काफ़ी नुकसान होता है और वो यूट्यूब आपके सब्सक्राइबर कुछ अर्से बाद आपके ऑटोमेटिकली ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आप लोगों को लगता है कि उस शख्स ने आपका शायद चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया हो, लेकिन वो इस तरह होता नहीं है, लेकिन वो सब्सक्राइबर डेड होने की वजह से यूट्यूब कुछ अर्से बाद आपका सब्सक्राइबर खुद ब खुद स्पैम में डाल देता है। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्सक्राइबर ड्रॉप होने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब आपके जो सब्सक्राइबर मोनेटाइजेशन से पहले ही आपके सब्सक्राइबर ड्रॉप हो रहे होते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। उसका पहला फ़ायदा यह है कि जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए चला जाता है, तो उस टाइम जो डेड यूट्यूब आपके सारे सब्सक्राइबर की वेरिफिकेशन करता है और जो डेड सब्सक्राइबर होते हैं वो उसी टाइम रिमूव कर देता है, तो इसकी वजह से आपका चैनल रिजेक्ट हो जाता है। और आपको लग रहा होगा कि ये जो सब्सक्राइबर आपके ड्रॉप हो रहे हैं शुरू शुरू में जब आपका नया चैनल बनता है, तो ये आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन ये असल में आपके फ़ायदेमंद है। जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाएगा और उस टाइम ये चैनल सब्सक्राइबर आपके वेरीफाई होंगे और आपके चैनल पे रहेंगे, तो इसको आपको ही फायदा है। अगर ये पहले ड्रॉप हो जाते हैं तो इसमें बेहतरी है आपकी। नंबर 5, अगर कोई शख्स आपका चैनल सब्सक्राइब कर देता है और वो अपना अकाउंट जीमेल अकाउंट जो है वो उसको क्लोज कर देता है, तो ये सब्सक्राइबर भी आपका डेड शुमार होगा, स्पैम में चला जाएगा और कुछ अर्से बाद जो है वो आपका सब्सक्राइबर भी ड्रॉप हो जाएगा। रीज़न नंबर 6, अगर आप किसी से सब्सक्राइबर एक ही दिन में 1000 सब्सक्राइबर या 500 सब्सक्राइबर बाय करते हैं या सब टू सब ग्रुप के ज़रिए आप सब्सक्राइबर लेते हैं, तो वो भी एक दिन में यूट्यूब पर लगता है कि इन्होंने कहीं से परचेज़ की हैं या ग्रुप से या किसी अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब कराया है, तो ये सब्सक्राइबर भी स्पैम में चले जाते हैं। ये मैंने जितनी भी वजूहत आपको सब्सक्राइबर ड्रॉप होने की बताई हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसको मोनेटाइजेशन होने, चैनल मोनेटाइजेशन होने से पहले पहले सब्सक्राइबर अगर आपके ड्रॉप होते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके चैनल जब मोनेटाइजेशन के लिए जाता है, तो यूट्यूब लाजमी आपके सब्सक्राइबर वेरीफाई करता है कि ये सब्सक्राइबर आपके डेड हैं या एक्टिव हैं, तो उस टाइम अगर आपके चैनल से सब्सक्राइबर आपके ड्रॉप हो जाएँ, तो ये आपका चैनल रिजेक्ट हो जाएगा और आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और जो न्यू यूट्यूबर्स हैं खासकर उनके लिए। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल रखें। इस वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।